नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राफेल ने फ्रांस से भर ली है उड़ान। राफेल पर हमारी लगातार मेगा कवरेज जारी है, हर अपडेट आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए 10 मिनट में इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। 29 की सुबह अंबाला एयरबेस पर होगी राफेल की लैंडिंग। राफेल को लेकर आ रहे हैं इंडियन फाइटर पायलट। अबू धाबी में 24 घंटे का स्टॉप ओवर। 5 राफेल 7000 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचेंगे। फ्रांस से अभी भारत को मिलेंगे कुल 10 राफेल। 2021 के अंत तक पूरे 36 राफेल भारत में होंगे। मोदी सरकार की चीन को एक और डिजिटल स्ट्राइक। चीन के 47 और एप्स भारत में प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने दिया आदेश। चीनी ऐप पर नियम, डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप। गोपनीयता कानून का भी उल्लंघन का आरोप। पहले ही 59 चीनी ऐप्स हो चुकी हैं बैन। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला किया। ट्वीट कर कहा, भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को छिपाना एंटी नेशनल। कनाडा के वैंकूवर में तिब्बती और भारतीय मूल के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीनी कॉन्सुलेट के पास विरोध व्यक्त किया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अगवानी 3 दिवसीय भारत दौरे पर। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में वापस ली याचिका। कोर्ट को जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने दी जानकारी। स्पीकर ने कुछ दिन पहले दायर की थी याचिका। शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं स्पीकर। अभी कानूनी पहलू पर कर रहे हैं मंथन। सिब्बल ने कहा, आगे फैसला लेंगे क्या करना है। राजस्थान में गवर्नर गहलोत में टकराव बढ़ा। राजभवन ने विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल लौटाई। राजस्थान मामले पर कांग्रेस का कैंपेन। सीएम गहलोत ने कहा, खतरे में है लोकतंत्र। राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने शुरू किया संविधान बचाओ अभियान। राजस्थान के सियासी संग्राम पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। मुंबई में भी अशोक चौहान के नेतृत्व में राजभवन का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान में साजिश रचने का आरोप लगाया। अहमदाबाद में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राजभवन के पास प्रदर्शन किया, हिरासत में लेकर दूसरी जगह ले गई पुलिस। लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने पीएल पुनिया सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया। चेन्नई में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अलगिरी के नेतृत्व में मार्च। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। सरकार गिराने को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, लोकतंत्र संविधान और जनता की आवाज पर चलेगा। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत बोले राहुल गांधी, बीजेपी के छल कपट को नकारेगी जनता। पॉलिटिकल डेडलॉक के बीच राजस्थान के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था पर चर्चा की। राजस्थान के मंत्री प्रताप खचारियावास का बयान। कहा, गवर्नर बीजेपी वर्कर नहीं, सरकार की मुखिया। गहलोत के बयान पर खचारियावास ने कहा, गवर्नर पर आने वाला पहला पत्थर खुद सीएम खाएंगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश से राजस्थान की तुलना की। कहा, मध्य प्रदेश के उलट राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा रही। राजस्थान विधानसभा में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक मदन दिलावर। स्पीकर पर बीएसपी विधायकों पर फैसला की कॉपी नहीं देने का आरोप लगाया। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। एक दिन में 49,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक 14,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पूरे देश में एक दिन में कोरोना से हुई 708 लोगों की मौत। जानलेवा वायरस ने अब तक 32,771 लोगों को अपनी चपेट में लिया। भारत में 4,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,17,568 लोग संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 63.92% हुआ। देश में मृत्यु दर 3.45%। देश में आज 5,15,472 लोगों की जांच हुई। अब तक 1,68,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए। पीएम मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। कोरोना की जांच में अब और तेजी आएगी। दिल्ली में एक दिन में 1,075 लोग पॉजिटिव पाए गए। 21 लोगों की जान गई। 1,807 लोग ठीक हुए। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में अब सुधरे हालात। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया। कहा, मौजूदा समय में 88% रिकवरी रेट। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी का दावा नहीं। सीएम केजरीवाल ने कहा, अब सिर्फ 9% लोग ही कोरोना से बीमार। इनमें से 2 से 3% लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कम होने पर बोले केजरीवाल, का मैं लॉकडाउन किए कोरोना के रोकने में सफलता हासिल। सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया रोजगार बाजार वेब पोर्टल। कहा, यहां कंपनियां और बेरोजगार करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के अस्पतालों से अच्छी खबर। एम्स, आरएमएल और सफदरजंग सहित कई बड़े अस्पतालों में 1,515 बेड खाली। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 नए मामले सामने आए। 267 लोगों की मौत हुई। कोरोना ग्राफ 3,75,000 के पार पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,115 नए मामले सामने आए। 57 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंचा। 80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीरो सर्वे के रिपोर्ट सामने आए। 28% लोगों के शरीर में मिले एंटीबॉडी।
मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर से हटा कंटेनमेंट जोन का पोस्टर, पीएमसी ने हटाया पोस्टर। कोरोना से जंग के बीच अमिताभ बच्चन को सता रहा है अकेलापन, पिता को याद करते हुए एक कविता गाकर ट्विटर पर शेयर की। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 3,260 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 39 लोग कोरोना के शिकार हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ मंथन किया, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने सहित कई और मुद्दों पर चर्चा की। यूपी के मेहटा में 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्थानीय प्रशासन ने कैदियों को स्थानीय स्कूल में शिफ्ट किया। प्रयागराज में अस्पताल के पास लापता कोरोना मरीज का शव मिलने से हड़कंप, शनिवार से अस्पताल से गायब था मरीज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृत कोरोना मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, मरीज के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। अस्पताल ने सफाई में जारी किया मरीज का भागते हुए सीसीटीवी फुटेज। बिहार में कोरोना मामलों में 2,605 की बढ़ोतरी हुई, अब तक 38,919 पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में अब तक 249 लोगों की मौत भी हुई। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज हुई, एक दिन में 457 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में फिर एक दिन में 2,341 कोरोना के पॉजिटिव केस, अब तक 58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा, एक दिन में 1,110 नए मामले सामने आए, अब तक 55,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 874 कोरोना केस का इजाफा, 27,800 लोग संक्रमित, अब तक 811 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 448 नए मामले, एक दिन में 7 मरीजों की मौत। राजस्थान में अब तक 36,878 लोग संक्रमित हुए, राज्य में कोरोना से अब तक 631 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 7,627 मामले, राज्य में अब तक 96,298 लोग संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना के 5,199 नए मामले, 82 लोगों ने राज्य में जान गंवाई। केरल में 927 नए मामले सामने आए, राज्य में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अंडमान निकोबार में एक दिन में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, 324 संक्रमितों की संख्या पहुंची, 182 मरीज रिकवर भी हुए। नागालैंड में एक दिन में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए, कोहिमा में 23 और दीमापुर में 14 लोग पॉजिटिव। सिक्किम में कोरोना से पहली बार एक मौत हुई, 74 साल के एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण जान गई। सिक्किम में 1 अगस्त तक जारी रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना पर कंट्रोल के लिए राज्य सरकार का फैसला। त्रिपुरा में आज से कंप्लीट लॉकडाउन लागू, 3 दिन तक लॉकडाउन लगने से पहले खरीदारी के लिए निकले लोग। जम्मू कश्मीर में अभी भी जारी है लॉकडाउन, श्रीनगर में दिखा असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सभी दुकानें बंद। कोरोना को लेकर मुंबई के रेलवे स्टेशन की पहल सामने आई, स्टेशन पर ग्लव्स और सैनिटाइजर के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई, ऐप के जरिए की जा रही है टिकट की जांच। असम के सिलचर में एक अस्पताल के कोविड वार्ड से तस्वीर अनोखी सामने आई, कोरोना का इलाज करा रहे मरीज और डॉक्टरों ने फिल्म बॉर्डर का गाना गाकर करगिल के शहीदों को याद किया। दुनिया में अब तक कोरोना के 1,63,00,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं, 6,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में फिर एक दिन में 46,000 से ज्यादा केस, 43,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में फ्री में होगी कोरोना की टेस्टिंग, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाक ने की गोलीबारी, भारतीय जवानों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में सीएम विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से पूछताछ जारी, कोची में एनआईए ऑफिस में सवाल जवाब, 24 जुलाई को एनआईए ने भेजा था नोटिस। अयोध्या में भूमि पूजन की जोरदार तैयारी, रामलला के लिए विशेष पोशाक तैयार करने का काम जारी। राम जन्मभूमि के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल, हजारों साल बाद भी रिसर्च में मिलेगी सही हिस्ट्री। सुशांत केस में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से आज हो सकती है पूछताछ, गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान। अनिल देशमुख ने कहा करण जौहर के मैनेजर से भी होगी पूछताछ, जरूरत पड़ने पर करण जौहर को भी बुलाया जाएगा। करण जौहर के मैनेजर को नहीं मिला है समन, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता को पूछताछ के लिए समन। दक्षिण की मशहूर एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी ने की आत्महत्या की कोशिश, एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक्ट्रेस ने कुछ नेताओं पर परेशान करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के भंडारा में जादू टोना के शक में 4 लोगों से मारपीट, लोगों ने कैरोसिन छिड़क कर कपड़े जलाए, पुलिस ने मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव हुआ, दादर इलाके में बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी। मुंबई के हिंदमाता इलाके में फिर भरा बारिश का पानी, ट्रैफिक के लिए रोड को किया गया डायवर्ट, बैरिकेटिंग कर पानी हटा रहे हैं बीएमसी के कर्मचारी। मुंबई में लगातार हो रही है बारिश, उसके बाद वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम नजर आया, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार, जलभराव की वजह से ट्रैफिक पर बड़ा असर। दिल्ली में आईएसबीटी के पास भारी जाम, रिंग रोड पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी के महोबा में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सरकारी अस्पताल में घुटने तक भरा पानी, जलभराव की वजह से मरीजों की बड़ी परेशानी। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े, सड़कों पर जलभराव से लोग हुए परेशान। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बिहार पहुंचे, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में गिराई राहत सामग्री। बिहार के दरभंगा में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक, पानी में डूबा पूरा इलाका, सड़क से ऊपर पानी बह रहा है। बिहार में दरभंगा के कई इलाकों में भरा पानी, सदर ब्लॉक ऑफिस भी जलमग्न। दरभंगा में जानलेवा बने कई हाईवे, लहरिया सराय और समस्तीपुर हाईवे के पास मुसीबत बना पानी।
बिहार के शिवहर जिले में 500 एकड़ में लगी केले की फसल बर्बाद, बाढ़ और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी। बाढ़ प्रभावित पूर्वी चंपारण से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, बाइक सवार दो लोग बाइक के साथ बहे, एक शख्स खुद तैर कर निकला, दूसरे को स्थानीय लोगों ने निकाला। बिहार में एनडीआरएफ की नाव पर 25 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, बाढ़ से महिला का किया जा रहा था रेस्क्यू। पटना में गंगा में बहे दो युवक, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक का सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसला, 250 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हुई। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 23 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 128 लोगों की मौत हुई। असम के नौगांव जिले में बाढ़ से तबाही, सामान और मवेशियों के साथ लोग राहत शिविर की ओर पहुंचे। आज सुबह उत्तराखंड के चमोली के गौचर में आईटीबीपी कैंप के पास लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सावन का चौथा सोमवार आज उज्जैन में महाकाल मंदिर में हुई भव्य आरती। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए लंबी कतार नजर आई। तापमान चेक करने के बाद मिल रही है मंदिर में एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कर रहे हैं श्रद्धालु पालन। दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन।